हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं बल्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी प्रकार का MLM काम करते हैं या फिर आपके कोई प्रोडक्ट है, आपने नया स्टार्टअप किया है और आप अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास व्हाट्सएप के जरिए उनके पास पहुंचे और अपना बिजनेस प्लान उनको प्रमोट करें, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है ना कि आपके पास डाटा होता है कि हाँ भाई मेरे पास इतने सारे कॉन्टैक्ट है। अब उनको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपको एक एक करके सभी नंबर्स को मैसेज करना होता है। बट दोस्तों मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए जिसमें आप कुछ नहीं करना होता, केवल सॉफ्टवेयर को नंबर प्रोवाइड करने होते हैं और अपना मैसेज प्रोवाइड करना होता है, और वो सभी उन सभी नंबर के पास आपका जो प्रमोशन मैसेज है वो एक क्लिक में सेंड कर देता है। दोस्तों ऐसे में जब आपको सेंड करना होता है तो आपको एक एक नंबर सेव करना होता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं सेव करना होता है। यहाँ पे केवल कमांड देनी होती है और उसके बाद का जो भी सारा काम है वो हमारे सॉफ्टवेयर का होता है। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आप बल्क प्रो नाम का ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर इस तरीके से इसका इंटरफेस है और इसको यूज कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप को सारी चीजें बताता हूँ, एंड उसके बाद आप इसको कैसे यूज में ले सकते हैं और आपको ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है इस सॉफ्टवेयर में, आपको यूज करने के लिए आपको ऐसा एक अकाउंट बनाना होता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है, जीमेल से बन जाता है। एंड नाउ उसके बाद यहाँ पर ग्रुप और कैंपेन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो ग्रुप और कैंपेन आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पे क्लिक करना होता है, एंड सिंपल से यहाँ पे एक ग्रुप बना लेना होता है। लाइक दैट मैंने एक ग्रुप बना लिया है। अब इसमें कॉन्टेक्ट ऐड करने के लिए या तो आप अपने ऐड कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, यानी कि एक एक कॉन्टेक्ट को आप सिंगल सिंगल करके ऐड करें, या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट, यानी आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं आप उनको इसके जरिए इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक क्लिक में सारे कॉन्टेक्ट इम्पोर्ट हो जाएंगे। तीसरा मेथड है इम्पोर्ट टेक्स्ट फाइल। दोस्तों चीजों को अच्छे समझ लीजिएगा ताकि आपको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट टेक्स्ट फाइल, यानी अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो आप यहाँ पर इम्पोर्ट टेक्स्ट फाइल करके, इस तरीके का फॉर्मेट होता है उसका टेक्स्ट फाइल का, उसको भी इम्पोर्ट करके यहाँ पर आप नंबर को ऐड कर सकते हैं। चौथा होता है यहाँ पर देख लीजिए इम्पोर्ट मैनुअली। इम्पोर्ट मैनुअली मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक साथ सारे नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और वो सभी नंबर यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों पांचवा और लास्ट मेथड है CSV फाइल, एक्सेल फाइल। आपने सुना होगा आपके पास एक्सेल शीट होती है नंबर्स की, आपको उसको इसमें इम्पोर्ट करना है। बहुत इजी होता है, इम्पोर्ट CSV फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपनी CSV फाइल सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इसमें इम्पोर्ट करके भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपना जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इसमें, ग्रुप ग्रैबर का। ठीक है, अगर आपके पास व्हाट्सएप के ढेर सारे ग्रुप हैं, बहुत से बिगनर्स होते हैं जिनके पास डाटा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड नाउ फिर उसके बाद उन डाटा को यूज करते हैं अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे ग्रुप ग्रैबर काम करता है, फिर उसके बाद उन नंबर्स को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब अपने सॉफ्टवेयर के ग्रुप में डालेंगे, फिर उनको बल्क मैसेज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ग्रुप ग्रैबर पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक दिखेगा व्हाट्सएप, एक दिखेगा बिजनेस व्हाट्सएप, तो आपके जिस व्हाट्सएप से नंबर निकालने हैं आप उस पर सिलेक्ट कर लेना है, एंड नाउ स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर ये हमारा व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिडायरेक्ट होने के बाद ये देखिए मेरे पास एक ग्रुप यहाँ पे खुला हुआ है, एंड नाउ उसके बाद यहाँ पर व्यू वॉल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम व्यू वॉल पे क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ये सभी कॉन्टेक्ट्स को ले रहा है। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक देखिए अभी चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है, मैं यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि बस इतने नंबर ले लो, तो बस मैं इसको ऐसे कट करके अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाना है। यहाँ पर देख लेंगे लोडिंग लेके जितने भी यहाँ पर कॉन्टेक्ट थे उन सभी को यहाँ पर उठा लिया है। अप्रॉक्स 183 कॉन्टेक्ट अभी स्कैन कर पाया था मैंने, 20 से इसको कट कर दिया तो यहाँ पर आ गया। अभी ऊपर से मैंने एक ग्रुप बनाया था RAJKK करके, तो बस इसको मुझे सिलेक्ट कर लेना है और जितने भी कॉन्टेक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट हुए हैं बस उसको इम्पोर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सभी कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये सभी कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर आ गए। अभी आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इसको सेव टू फोन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टेक्स्ट फाइल, यानी कि आप इसको टेक्स्ट फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट VSV फाइल यानी VSV फाइल में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप ये डाटा को निकाल के अलग कहीं रखना चाहते हैं तो।
हालांकि मैं अभी ना इसको सेव करने वाला हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग चाहे तो सेव कर सकते हैं, आपको ट्रायल में जब मिलेगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैसेज कैसे सेंड करना है। तो सिंपली हमें सेंड मैसेज पे क्लिक करना है एंड नाउ अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने एक इसके पहले ग्रुप बनाया था और एक ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैसेज लिमिट आपको मिलेगी, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। वन स्लॉट रेंज का मतलब होता है कि आप भाई एक स्लॉट में कितना भेजना चाह रहे हैं। भाई कुछ लोग एक स्लॉट में 100 भेजते हैं, 150 भेजते हैं, मगर जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो 25 की होती है। तो मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग के भी रन कर रहा हूँ। एंड नाउ यहाँ पर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है लिमिट एक्सीड, डेली लिमिट एक्सीडेड, टोटल लिमिट यहाँ पे, यानी कि अभी इसको डिफॉल्ट सेटिंग है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। सेटिंग का दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पर जब आप प्रीमियम प्लान परचेस करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसमें लिमिट वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसको 50 शॉट भी लगा सकते हैं, है ना, आप इसको टाइम गैप वगैरह। और यहाँ पर दोस्तों एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको मेक श्योर करना होता है कि ये सर्विस एक्टिव हो। ठीक है दोस्तों, अभी डायरेक्टली हम लोग आते हैं मैसेज, ओके, अभी हम लोग दोस्तों आते हैं डायरेक्टली मैसेज सेंड पे। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे लोड हो गए हैं, ये हम लोगों ने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं डिफॉल्ट सेटिंग ही यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आना है एडवांस मोड। एडवांस मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके कुछ ऑप्शन आपको शो होंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपना मैसेज डालना है और आप इसमें कोई भी PDF फाइल या इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ नीचे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, अन एड ऑप्शन टू अनसब्सक्राइब। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक बंदे के पास मैसेज गया और वो चाहता है कि उसके पास आपका मैसेज दोबारा ना आए, तो आप यहाँ पर ऐड टू अनसब्सक्राइब का ऑप्शन ऐड कर देना। तो सामने वाला जैसे ही अनसब्सक्राइब आपको लिख के भेजेगा उसके पास दोबारा कभी मैसेज नहीं जाएगा। इनेबल रैंडम कोडर भी आप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि WhatsApp डिटेक्ट करता है कि भाई आपने सेम मैसेज कई बार किया है, बट जब आप इनेबल रैंडम कोडर कर देंगे तो हर मैसेज में नीचे कुछ अलग सा मैसेज ऐड हो जाएगा और हर मैसेज में ये डिफरेंट रहेगा, जिससे कि आपका जो मैसेज का वहाँ पे शो होने का जो सीक्वेंस होता है वो सेम नहीं रहेगा। इससे व्हाट्सएप वालों को लगेगा भाई आप कुछ मतलब हर टाइम पे अलग अलग मैसेज भेज रहे हैं। तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। या फिर नीचे एक तीसरा ऑप्शन होता है, अगर आपने कहीं थर्ड पार्टी आपने डाटा उठाया हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव नॉन व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, यानी कि जो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे नहीं है उनको मैसेज भेजेगा ही नहीं। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी डाटाबेस उठाया हुआ है तो उसमें आप ये ऑप्शन जरूर यूज़ करिएगा। ये आपके व्हाट्सएप को ब्लॉक होने से बचाने के लिए तीनों स्पेशल टूल हैं जो कि आपके व्हाट्सएप को प्रोटेक्ट करते हैं ब्लॉकिंग होने से। ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको यूज़ कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप अपने फ़ोन में दो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं यानी क्लोन बना करके, तो आप फर्स्ट और सेकंड इस ऑप्शन को आप जरूर चूज करिएगा। अगर आप दूसरे वाले व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं तो सेकंड चूज करिए, पहले भेजना चाहते हैं तो डिफॉल्ट ये वन पे रहेगा। बिजनेस पे भेजना चाहते हैं आप इसको बिजनेस भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नॉन बिजनेस वाले पे भेजना चाहते हैं नॉन बिजनेस कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों ये देखिए हमारा व्हाट्सएप जो है स्टार्ट हो गया है और पहले ही वाले व्हाट्सएप से ये जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक स्कैन कर रहा है, नंबर ले रहा है, उन पे मैसेज डाल रहा है एंड उसके बाद नाउ ये ऑटोमेटिक ही सेंड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड लगाया हो तो मुझे इस फिंगर के भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, बट जब तक मतलब देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर रहा है और होता नहीं है कि थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप खुला रह जाता है। अगर फिंगर एक बार लगा दिए तो अगर हम बंद करके थोड़ी देर में खोलते हैं तो फिंगर बार बार फिर मुझे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ता, अगर कहीं भी रुकता है तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर किसी को खास रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर जब आप बल्क मार्केटिंग कर रहे हो मतलब बल्क मैसेजिंग कर रहे हो तो आप इस फिंगर वाले लॉक को हटा दीजिए, जिससे कि आपका जो भी काम है वो बिना रुके चलता रहे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं इसको टच नहीं किया हूँ, ऑटोमेटिक मैसेज भेज रहा है बिना किसी को नंबर सेव किए हुए, साइड में स्क्रीन शो हो रही है, आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से भी मैसेज जा रहा है और काफी कूल लग रहा है देखने में, यानी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है और बस ये धड़ाधड़ मैसेज भेज रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक कट का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इसको हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो मैसेज जाना यहाँ पे अभी रुक जाएगा। ठीक है, ये मैसेज जाना रुक गया, ओके। तो अभी हम लोग इस पर आते हैं बैक, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, सेंट हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एक सैंपल मैसेज यहाँ पे गुड मॉर्निंग का भेजा था, उसके बाद एक हाय का मैसेज भेजा था जो कि 12 मैसेज गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है और हमारे सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है B2B लीड एक्सट्रैक्टर। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके जो भी कस्टमर है वो भी एक बिजनेस
करने वाले हैं तो आप इसमें बी टू बी लीड एक्सट्रैक्टर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। एक्चुअली बी टू बी लीड एक्सट्रैक्टर क्या करता है कि आपके कीवर्ड्स यानी आपके प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है, लाइक दैट आपका कोई मेडिसिन है और आपके कोई डॉक्टर चाहिए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर टाइप करना है मेडिकल स्टोर, ठीक है, मुंबई, लोकेशन में मुंबई डाल देना है क्योंकि आपका प्रोडक्ट मुंबई में सेल करना है। दोस्तों मुझे रिप्लाई आने स्टार्ट हो गया, तो भाई कौन भाई कौन भाई खैर कोई बात नहीं, आप सभी के लिए इतना चलता है। सिक्योरिटी पर्पज से के लिए मैंने कुछ नंबर को हाइड किया हुआ है क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रकार का किसी का भी डाटा लीक नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए दिल से सॉरी, मैं उसको आपको नहीं दिखा सकता। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो लीड है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है, और इसको भी हम अगर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो करीब मान के चलिए 200 से 300 कॉन्टैक्ट ये ग्रुप मुंबई का जितना भी मेडिकल स्टोर है 200 300 से निकालना स्टार्ट कर देगा। वहाँ पे मुंबई के 20 से शुरू करेगा, सराउंडिंग करते 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 जितना भी ब्राइड एरिया होता जाएगा उतना ही इसमें लीड एक्सट्रैक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जितना दिख रहा है उन सभी के कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे। अब स्टॉप करते हैं क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बस आपको दिखाना था। आप जब इसको लेंगे यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे अभी कितने लोगों का यहाँ पे निकला हुआ है और साथ में उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है, और आप आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। अनसब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपको अनसब्सक्राइब लिख के भेज दिया तो इस ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर उस पार्टिकुलर इंसान का नंबर हटा देगा आपके लिस्ट से, ठीक है। दोस्तों ये ऐसे काम करता है। और यहाँ पे सुपर ग्रुप सेंडर का जो ऑप्शन है ये ऐसे यूज़ होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो आपको क्या करना है उन सभी को एक बार सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है इस पे मैसेज डाल देंगे तो सिर्फ उन्हीं ग्रुप पे मैसेज जाएगा। तो दोस्तों मैंने सॉफ्टवेयर के सभी फंक्शन को अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज में ले सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत पसंद आया। अगर आप लोग इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, आपको डायरेक्टली ही हमारे सॉफ्टवेयर का परचेस लिंक आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड या फिर हमारे न्यू सॉफ्टवेयर जो अपकमिंग MLM सॉफ्टवेयर्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो न्यू अपडेट है वो आप सभी को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेशन।